मैं दिनेश कुमार, प्रवक्ता यांत्रिकी, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर। आज डिस्कस करेंगे हम कि न्यूमेटिक कंपैरेटर क्या होता है। जैसे कि इससे प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर क्या होता है, मैकेनिकल टाइप कंपैरेटर क्या था। मैकेनिकल टाइप कंपैरेटर में बहुत सारे कंपैरेटर हैं, उसके बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि किस तरह वर्क करता है। इस तरह इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर किस तरह वर्क करता है, अब डिस्कस करूँगा मैं इसके अंदर न्यूमेटिक कंपैरेटर। न्यूमेटिक कंपैरेटर का मीनिंग क्या, इसके अंदर कि कोई सा भी फ्लूड है, फ्लूड की हेल्प से हम उसको कंपेयर करना कि जो एक्चुअल डायमेंशन है, जो स्टैंडर्ड डायमेंशन है, उस स्टैंडर्ड डायमेंशन को जो जॉब की जो डायमेंशन आ रही है, जो कंपैरेटर की हेल्प डायमेंशन ले रहे हैं, उस डायमेंशन को जैसे कंपेयर करना है कि कितना इसके अंदर वेरिएशन आ रहा है, उसको हम चेक करते हैं। जैसे कि एक न्यूमेटिक का कंपैरेटर है, जो ये एक न्यूमेटिक कंपैरेटर का डायग्राम दिखाया। जो न्यूमेटिक कंपैरेटर होता है उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। न्यूमेटिक कंपैरेटर में कंप्रेसर होता है, एयर फिल्टर होता है, वाटर टैंक होता है इसके अंदर, मैनोमीटर ट्यूब लगी रहती है इसके अंदर, एक ऑरिफिस होता है, एक होलो सिलेंडर का जिसकी डायमेंशन निकालना है, होलो सिलेंडर होता है, एक गेज हेड लगा रहता है इसके अंदर। तो ये थे इसके पार्ट कि ये कंपोनेंट इसके अंदर न्यूमेटिक कंपैरेटर में लगे रहते हैं। अब जो न्यूमेटिक कंपैरेटर है वो किस लिए काम में आता है। न्यूमेटिक कंपैरेटर जैसे स्टैंडर्ड डायमेंशन को से कंपेयर करता है कि कितना वेरिएशन आ रहा है। जो न्यूमेटिक कंपैरेटर है वो जनरली होलो सिलेंड्रिकल जॉब के लिए एप्लीकेबल होता है, होलो पार्ट के लिए ही एप्लीकेबल है इसके अंदर। उससे फॉर एग्जांपल जैसे होलो सिलेंड्रिकल जॉब है, जो होलो सिलेंड्रिकल जॉब उसकी इंटरनल सरफेस है, इंटरनल सरफेस का डायमीटर है, अंदर का डायमीटर है, उस डायमीटर कितना वेरिएशन, ओवलिटी कितनी आ रही है, वो चेक कर सकते हैं हम इसके अंदर, उसकी डायमेंशन निकाल कर कंपेयर करके कि कितना इसके अंदर चेंज वेरिएशन आ रहा है, वो डेविएशन को हम चेक कर सकते हैं इसके अंदर। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया कंप्रेसर लगा रहता है, ब्लॉक डायग्राम में ये कंप्रेसर है। कंप्रेसर काम क्या है कि जो भी फ्लूड है, जो भी एयर है, उस एयर को कंप्रेस करता है, जिससे क्या होता है उसका प्रेशर बढ़ जाता है और वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। तो जो कंप्रेस्ड एयर को इस कंप्रेसर से पाइप के थ्रू एयर फिल्टर में भेजी जाती है। जो कि एयर फिल्टर का काम क्या होता है, एयर फिल्टर का काम है उसके जो भी अनएक्सपेक्टेड जो पार्टिकल्स है, उस पार्टिकल को वो एब्जॉर्ब कर लेता है और जो एयर है उस एयर को फिल्टर करके, जो एयर है उस एयर को फिल्टर करके आगे वाले पाइप में फ्लो कर देता है, आगे की तरफ भेज देता है, जिससे कि ये पाइप है, उस पाइप के अंदर क्या होता है, जो एयर है वो एयर एक जो पाइप है, उस पाइप का जो दूसरा एंड है वो वाटर टैंक से कनेक्टेड रहता है। ये वाटर टैंक है, इस वाटर टैंक से कनेक्टेड था, उस वाटर टैंक के अंदर क्या था, पानी भरा था, वाटर भरा रहता है। जो वाटर टैंक है उस वाटर टैंक के नीचे वाले पार्ट पे एक मैनोमीटर ट्यूब लगी रहती है। वो मैनोमीटर ट्यूब पे क्या था, जो वेरिएशन आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है प्रेशर के अंदर, वो डिफरेंस को यहाँ पर मैनोमीटर की हेल्प से हम रीडिंग नोट कर सकते हैं कितना उसके अंदर वेरिएशन आ रहा है, डिफरेंशिएट कितना डिफरेंस आ रहा है उसके अंदर प्रेशर के अंदर। तो मैनोमीटर यहाँ लगा रहता है इसके अंदर। अब ये मैनोमीटर कनेक्टेड है, अब जो पाइप है उस पाइप के आगे की तरफ एक ऑरिफिस लगी रहती है, ठीक है, तो उसको वॉल्यूम को कंट्रोल करती है, जो एयर फ्लो हो रही है उस एयर फ्लो को वॉल्यूम कंट्रोल करती है, उसकी वेलोसिटी तेज कर देती है, क्योंकि यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन एरिया, यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन एरिया रिड्यूस हो जाता है, जिससे क्या होगा उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। उस वेलोसिटी इंक्रीज होने के साथ में क्या है, जो एयर है वो एयर आगे की तरफ फ्लो होती है, फ्लो होने के बाद कहाँ पर जाती है, गेज हेड के अंदर आती है। जो ये गेज हेड लगा हुआ, ये क्या है, एक गेज हेड लगा हुआ, ये गेज हेड जिस सिलेंड्रिकल जॉब के हमको रीडिंग नोट करनी है, उसकी डायमेंशन निकालनी है, उस सिलेंड्रिकल ब्लॉक के अंदर ये लगा रहता है गेज हेड। गेज हेड के ऊपर की तरह एक वाल्व लगे रहते हैं, ये कहते हैं वाल्व है, एक ओपन वाल्व होती है, ये ओपन वाल्व लगे होते हैं, जिससे कि क्या होता है कि जो भी कंप्रेस एयर एयर फिल्टर से होती हुई कहाँ जाएगी, ऑरिफिस से होती हुई कहाँ जाएगी, ये गेज हेड से और गेज हेड से वाल्व से जाएगी। तो जैसे ही यहाँ से एयर निकलेगी वो एयर सिलेंड्रिकल हेड से इंपैक्ट करेगी। ये होलो सिलेंड्रिकल है, ये होलो सिलेंड्रिकल वर्कपीस से, होलो सिलेंड्रिकल वर्कपीस से इंपैक्ट करेगी, जिससे क्या होगा, इंपैक्ट करने के साथ में क्या होगा, जो वापस से जो एयर है, जो हाई प्रेशर से जो एयर निकली है, जो हाई है वेलोसिटी से, वो क्या होगी, हाई प्रेशर से जो एयर निकली है वो एयर वापस से इसकी तरफ आगे अंदर की तरफ मूव करेगी, जिसको हम बैक प्रेशर बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, बैक प्रेशर। उस बैक प्रेशर क्या होता है, उसके अंदर वो एयर जो बैक प्रेशर है वो अंदर की तरफ आने की कोशिश करता है, जिससे कि जो फ्लक्चुएशन आ रहा है, जो बैक प्रेशर का फ्लक्चुएशन आ रहा है वो कहाँ पर आता है, सीधा मैनोमीटर के अंदर आता है। उस मैनोमीटर की हेल्प से हम इसकी रीडिंग नोट कर लेते हैं कि कितना इसके अंदर वेरिएशन आ रहा है इसके अंदर।
तो इस तरह हम इसकी रीडिंग नोट कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये तो हमने एक पॉइंट से कनेक्ट, एक पर्टिकुलर पॉइंट से ली। इस तरह जो पूरा सिलेंडर होलो सिलेंडर है, उस होलो सिलेंडर के अलग अलग पोजीशन पर, अलग अलग सपोज करो 30 पोजीशन पर हमने इसकी रीडिंग नोट करी, फिर इस वाली पोजीशन पर रीडिंग नोट करेंगे, फिर इस वाली पोजीशन पर रीडिंग नोट करेंगे। इस तरह हम इसकी जो सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल ब्लॉक है, जो वर्क पीस है, उस वर्क पीस के अंदर हम इसकी रीडिंग को नोट कर सकते अलग अलग पोजीशन पर। फिर हम चेक कर सकते इसमें कितना डिवीशन आ रहा है, जो डिवीशन आ रहा है डिवीजन कंपेयर कर सकते स्टैंडर्ड जो डायमेंशन है उस डायमेंशन से कंपेयर कर सकते हैं। सपोज करो जो सिलेंड्रिकल जॉब का डायमीटर 50 mm है, 50 mm है, तो उसके अकॉर्डिंग हम चेक कर सकते हैं 50 mm है तो कहीं पर हो सकता है कि 50.001 आ जाए, कहीं पर 49.001 आ जाए। तो जो वेरिएशन आ रहा है, इस वे जो डिवीशन आ रहा है, इस डिवीशन को हम चेक कर सकते हैं कितना इसके अंदर डिवीशन आ रहा है। तो इस तरह जो न्यूमेटिक कंपेरेटर है वो काम करता है इसके अंदर। थैंक यू।